उच्च अधिकारी जी। ठीक एक मिनट कोई बात नहीं। हेलो इधर आइए। ये बताओ हम लोग आपको कुछ गलत बताए हैं या गलत विचार कर रहे हैं? आप हिंदू धर्म के अलावा किसी धर्म का प्रचार नहीं करेंगे, यदि करेंगे आज ही आप पे केस लगेगा। अच्छा संविधान में क्या लिखा हुआ है? क्या संविधान में लिखा हुआ है? किसी हिंदू इन लोगों से पूछिए ना। क्या इन लोगों से पूछना है? इन लोगों को इतना लालच होता तो आज इतने लोग यहाँ पे खड़े नहीं होते। आप किसी मुस्लिम को लाकर खड़ा करिए यहाँ पे, किसी सिख को लाकर खड़ा करिए। सीतापुर के थान गांव इलाके में ईसाई मशीनरी द्वारा हिंदुओं का धर्मांतरण कराए जाने का मामला सामने आया है। यहां नौकरी और ईसाई युवतियों से शादी का झांसा देकर गांजर के लोगों को ईसाई धर्म परिवर्तन कराने का खेल जारी है। धर्म परिवर्तन कराने की घटना की जानकारी जब हिंदू संगठनों को मिली तो संगठन के लोग मौके पर पहुँच गए और धर्मांतरण करा रहे लोगों को धर दबोचा। साथ ही पुलिस को जानकारी देकर उपरोक्त चल रहे धर्मांतरण अभियान में संलिप्त लोगों को पकड़वाने का भी कार्य किया है। आइए आपको भी सुनवाते हैं कि सीतापुर बजरंग दल के जिला सुरक्षा प्रमुख आशुतोष वर्मा ने क्या जानकारी दी। आज भाईसा थाना थान गांव में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा सूचना दी गई थी कि वहाँ पे धर्मांतरण हो रहा। एक कैलेसिया नाम की पूजा होती है जिसमें कुछ दुआ भगूत होती है, पानी फुकवाया जाता है, बीमार मरीजों को देखा जाता है, उसके माध्यम से हमारा धर्म परिवर्तन गरीबों का कराया जाता है जिसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा रहती हैं। तो आज धर्म परिवर्तन हो रहा था ऐसी वहां से सूचना आई। फिर हम लोग वहां पे पहुंचे तब देखा कि वही 100 से ज़्यादा महिलाएं वहां पर बैठी हुई थी और उनका धर्म परिवर्तन हो रहा था। तब फिर वहीं थान गाँव के SSO अजय रावत जी को बुलाया गया और फिर उनको पकड़ाया गया, फिर मुकदमा लिखवाया गया। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं इसमें? 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं भाई साहब। अच्छा अच्छा ये जो लहरपुर में भी घटना घटित हुई, सदरपुर में हुई, आखिर क्या मामला चल रहा है जो इतनी तेजी से ये धर्म परिवर्तन का मामला सामने आ रहे हैं? नहीं ये अभी नहीं हो रहा भाई साहब, ये जो आज बैठक हुई ये 10 साल से चल रही थी ऐसा वहाँ के लोग बता रहे थे, तो आज नहीं है। आज अब हम लोग पकड़ पाए हैं तो आज लग रहा है, लेकिन आज नहीं है। ये काफी दिनों से हो रहा है लेकिन क्योंकि नॉलेज नहीं था और ऐसा हम लोगों को कुछ पता नहीं था कि ऐसा भी हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे हम लोगों की नजर थी वहां से हटी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, हो हर जगह रहा है भाई साहब। और अभी और भी पकड़े जाएंगे ऐसी कल सूचना है कि अभी और जगहों पे हो रही, जहाँ पे कल भी हम लोगों को पहुंचना है, और लाहरपुर हो गया, तंबौर हो गया और सकरन हो गया और बिछुआ में भी 2 जगहों पे हो रहा है। तो अब कल फिर देखते हैं भाई साहब कहाँ पे हो रहा है, फिर वहाँ पे फिर देखते हैं भाई साहब आगे क्या कार्रवाई रहेगी। यार भाई साहब अब इसके बाद अब अगर ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं तो हम पुनः घर वापसी का कार्यक्रम करेंगे बजरंग दल, पुनः घर वापसी, जहाँ जहाँ भी धर्म परिवर्तन हो रहा है वहाँ वहाँ पे हम लोग धर्म पुनः इनकी घर वापसी करवाएंगे। योगी जी के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? हम तो चाह रहे हैं भाई साहब प्रशासन को योगी जी थोड़ा सख्त करें, क्योंकि बिना उसके मिले हुए ये कार्य हो नहीं सकता है। क्योंकि आज जब हम गए थे वहाँ पे तो वहाँ पे कुछ महिलाएं कुछ अशब्द बोल रही थी कि पहले भी पुलिस आई थी वो हमारा कुछ नहीं कर पाई, अब क्या कर लेगी। तो कहीं ना कहीं से तो पुलिस वाले मिले हैं इसमें, अब कहाँ तक मिले हैं ये हमको नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। अधिक जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई साहब।